दोस्तों यहाँ पर अभी लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पर आपको आपके सामने दो चार्ट दिख रहे हैं, एक है कोल इंडिया का, एक है एसबीआई का। दोनों ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। अब कुछ समय पहले तक मैं क्या करता था, जैसे ही प्राइस मूवमेंट करना शुरू कर देती थी, मैं बिना सोचे समझे वहां पर ट्रेड ले लेता था। ना अपना रिस्क मैनेजमेंट देखता था, ना मनी मैनेजमेंट देखता था, ना टारगेट को देखता था, ना एसएल को देखता था, कुछ भी नहीं देखता था। क्योंकि तब मेरे अंदर एक चीज़ थी जिसे कि फोमो कहा जाता है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है ट्रेड छूट जाने का डर। जैसे ही प्राइस मूवमेंट करना शुरू करती है, हमारे दिमाग में ख्याल आना शुरू हो जाता है, हमें डर लगने लगता है कि अभी जल्दी से बाय कर लेता हूँ वरना प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, वहाँ पर मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, बहुत अच्छा ट्रेड मेरे हाथों से छूट जाएगा। और ये गलतियाँ मैं एक बार नहीं काफ़ी बार कर चुका हूँ, और इन्हीं गलतियों की वजह से काफ़ी सारा लॉस भी मैंने किया है। पर अब मेरा दिमाग बिल्कुल ही क्लियर चलता है, क्योंकि मैं मतलब ठोकर खा के समझ चुका हूँ। ये सारी चीज़ आप गलतियाँ करोगे, उन गलतियों को लिखोगे, फिर उन गलतियों को लेकर आप बैठोगे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, तभी आपको पता चलेगी। कोल इंडिया में देखो कितना अच्छा मूवमेंट हो रहा है, पर मेरी अभी चीज़ें नहीं बनी, मैं यहाँ पर अपने डिसिप्लिन को, अपने रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। हो सकता है आज मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँ, आज यहाँ पर मुझे प्रॉफिट भी हो जाए, पर आज अगर मैंने अपना डिसिप्लिन, अपने रूल को तोड़ा, तो मेरी यहाँ पर आदत बिगड़ेगी। फिर आगे से मैं अपने डिसिप्लिन, अपने रूल को तोड़ता रहूँगा, मैं फिर डिसिप्लिन नहीं रह पाऊँगा, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्राइस मूवमेंट करती हुई निकल ही जाएगी। मैं यहाँ पर तभी ट्रेड करूँगा जब एक पुल बैक करके प्राइस फिर से निकलेगी, क्योंकि इस तरीके से प्राइस हर बार नहीं जा सकती। यहाँ पर मुझे देखना है कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया है, वो रेजिस्टेंस पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो अभी ये कोई सेफ तरीका नहीं है बाय करने का, अभी मुझे बाय नहीं करना चाहिए। पर पहले ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, काफ़ी बार गलत एंट्री लेकर, गलत ट्रेड लेकर, फोमो में ट्रेड लेकर ये सारी बातें समझ में आई है, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आज ये कितना भी ऊपर चला जाए, मैं इसे ऐसे बाय नहीं कर सकता, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये कोई मेरी ज़िंदगी का आखिरी ट्रेड नहीं है, ऐसे हज़ारों मौके मुझे आगे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो आगे का चार्ट बनने देते हैं, बाकी की चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोल इंडिया में मैंने फोमो में ट्रेड ले लिया होता तो अभी यहाँ पर मेरा लॉस चल रहा होता। एसबीआई में मैंने फोमो में ट्रेड ले लिया होता तो अभी मैं साइडवेज मार्केट में फंस चुका होता। मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियर था कि जो मैंने सोचा है, एक रिट्रेसमेंट करके, एक पुल बैक करके प्राइस निकलेगी, तो मेरे पास एसएल सेट करने की प्रॉपर जगह होगी और मुझे एक कंफर्मेशन मिलेगी। आज अगर ये दोनों कितना भी ऊपर चले जाते, अभी तो ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कोल इंडिया नीचे आ रहा है, एसबीआई वहीं पर है, बट अगर ये कितना भी मूवमेंट कर जाते, मैं देखता रहता, मैं ट्रेड नहीं लेता। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आज भले ही ये ट्रेड मेरा मिस हो जाए, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट ना हो, पर अगर आज मैंने अपने रूल को तोड़ा, आज मैंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा, तो हर बार का ये होगा। एक बार आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ दोगे, रूल को तोड़ दोगे, फिर आगे से भी आपसे गलतियाँ होगी, तो बेटर है कि जो भी चीज़ें आपने डिसाइड की है उस पर स्टिक रहो। और इन सारी चीज़ों में बदलाव टाइम के साथ आएगा। देखो मैंने जैसा कि कहा, मैं यहाँ पर एंट्री लेता था, यहाँ पर लेता था, यहाँ पर लेता था, प्राइस जा रही है, मुझे जल्दी से प्रॉफिट करना है, फिर ये एक बार नहीं हज़ारों बार ये मेरे साथ हो चुका है। यानी कि इस तरीके से मैंने एंट्री ली, प्राइस वहीं से रिवर्स कर गई, मैंने एंट्री ली, प्राइस वहां पर साइडवेज चली गई, वहां पर मैं मतलब कि देखता रहा, वेट करता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया, या तो लॉस हुआ या फिर वहां पर ट्रेड लेके बैठे रहो। ये चीज़ें काफ़ी बार हो चुकी है, तो अपनी गलतियों को लिखा, अपनी गलतियों से सीखा, तब जाके इन चीज़ों में चेंज आया है। आप देखो गलतियां करोगे, उन गलतियों पे काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको अपनी गलतियों पे काम करना होगा। अगर आप भी देखो कभी इस तरीके से यहाँ पर बाय करके इस तरीके से लॉस बुक कर चुके हो, फंस चुके हो, तो फिर उस गलती को यार दोबारा नहीं दोहराना है, उस गलती को जिंदगी में दोबारा नहीं करना है। जब आपकी चीज़ें बनती है, जब आपका सेटअप बनता है, जब आपका जो मतलब कि डिरेक्शन होता है, आपने माइंड में जो भी आपने क्लियरिटी रखी है कि इस तरीके से होगा, तभी मैं देखूंगा इतना मेरा रिस्क होगा, इतना मेरा रिवॉर्ड होगा, इस लेवल पर मैं एंट्री करूंगा, बिल्कुल फोमो में एंट्री नहीं करूंगा। देखो लोगों को सब कुछ आ जाता है, उनके पास सेटअप है, उनको सब पता होता है क्या हो सकता है, गलती कहाँ हो जाती है, गलती उनकी हो जाती है फोमो में एंट्री लेने में, गलत जगह पर एंट्री ले लेते हैं, फिर वहां पर फंस जाते हैं, वहां पर लॉस होता है और वहीं से उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। एक बार इस तरीके से गलत ट्रेड आप ले लोगे, फिर अगेन एंड अगेन आपसे गलतियां होगी, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होता, यहाँ पर उसका लॉस हो रहा है, वो बिना सोचे समझे अभी यहाँ पर सेल कर देगा, क्योंकि उसे उसका पैसा रिकवर करना है, वो रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, वो ओवर ट्रेडिंग करेगा, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगी, वोलेटाइल हो जाएगी, दोनों तरफ उसे लॉस होगा। उन चीज़ों से क्या होगा, उन चीज़ों से कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आगे के ट्रेड में फिर डर लगेगा,
फिर फोमो तो था, फोमो के साथ साथ फियर ऑफ लॉस का भी फैक्टर आ जाए, फिर उसके साथ बाकी की चीजें कम होने के बदले बढ़ती जाएंगी और लॉस होता जाएगा और कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा, और इस चक्कर में ज्यादा से ज्यादा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधरने के बदले बिगड़ती जाएगी। तो देखो, ये कोई दुनिया का आखिरी ट्रेड नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये ट्रेड मिस हो जाता तो हमें इसके बाद कोई भी ट्रेड मिलता ही नहीं। ट्रेड मिलेंगे, ट्रेड आपको रोज मिलेंगे, बस आपको सही समय का वेट करना है। अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल मत रखो कि मुझे आज ही ट्रेड करना है, आपको सिर्फ एक बात के बारे में सोचना है, बिना वजह सही चीजें नहीं दिख रही है फिर भी वहां पर ट्रेड करके लॉस करना है या फिर कुछ भी ना करके अपने पैसे को बचाना है। हाँ, सही चीजें बनती है, बिंदास ट्रेड करो, फिर वहां पर ऐसे हिट होता है, होने दो, हमारी गलती नहीं है। पर इस तरीके से फोमो में आकर जल्दी से कहीं पर भी ट्रेड ले लेना फिर वहां पर लॉस होना, तो उससे अच्छा तो है कुछ भी ना करना, उस दिन कुछ भी ना करो। ट्रेड नहीं मिलता तो बिल्कुल ही पैनिक में मत आ जाओ कि कुछ भी करके ट्रेड करना है, कुछ भी करके प्रॉफिट करना है। इस तरीके का माइंडसेट रखोगे तो कभी भी आपका माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए नहीं बनेगा, कभी भी आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी। एक क्लियर प्रॉपर अपने दिमाग में प्लान रखो कि आपको कब क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग सारी चीजों को मैनेज करो। आपके हिसाब से जब चीजें होती है तब करो, आपके हिसाब से चीजें नहीं होती उसे छोड़ दो, आपकी चीजें बनेगी, मार्केट आपको मौका देगा। जब आपको मार्केट मौका देता है तब जाके अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करो।